और ये है भाई रामना मैदान। चलिए लेकर चलते हैं। पानी के उतने बर्बाद करी जितना कि हमने के काम में आ सके। हेलो गाइस, वेलकम टू नी ब्लॉग। तो अभी हम आए हुए आरा के रामना मैदान में और यहाँ पर हो रहा है गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा परेड होता है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आ गए हम आरा के रामना मैदान में। तो चलिए देख, तो ये है भाई मेन गेट रामना मैदान के और भाषण शुरू हो चुका है। तो चलिए आप अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं। तो फिलहाल आ चुके हैं हम रामना मैदान में और यहाँ पर देखिए बहुत सारे झांकी तैयार की गई है, तो इसको जल्दी दिखाया जाएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं रामना के मैदान में, वहाँ पर जहाँ पर यह पूरा कार्यक्रम दिखाया जाएगा। चलिए चलते हैं। तो फिलहाल भाई आ चुके हैं हम रामना मैदान में। देखिए बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है। तो चलिए जब शुरू होता है कार्यक्रम तो आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे लोग इधर परेड देखने के लिए आए हुए हैं और हम जा रहे हैं उस साइड, क्योंकि यहाँ से अभी थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं उस साइड और दिखाते हैं। और अभी आपके जिला पदाधिकारी श्री राजकुमार आप देख रहे हैं उसी सुंदर हिंदुस्तान की सुंदर कवायद में जिप्सी आगे बढ़ रही है और इस बढ़ती जिप्सी के साथ जिला पदाधिकारी जिले के बढ़ते कदम का प्रतिनिधित्व करते हुए संतानों में वो राष्ट्रीय चेतना भर दी जाए कि भारत माता अपने अंदाज के साथ उस, लेकिन आज एक भारतवर्षी उसी ब्रिटिश उसी लंदन में भारत का प्रतिनिधि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनता है। भारत ऐसे पूरी दुनिया पर राज करता है तब कोई इकबाल कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सुधा हमारा, हम भूल भूले ही इसकी ये गुली सुधा हमारा। आप देख रहे हैं कि जिप्सी पश्चिम रिंकू कुमारी जी ने आह्वान किया भुवन भास्कर भगवान सूर्य, देश के हित हम जिएंगे देश हित मर जाएंगे कि राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ अवकाश प्राप्त। जब रिंकू कुमारी जी का नेतृत्व हो और प्रीति कुमारी जी का बीच में एक अलग परिचय हो, प्लाटून कमांडर राधा मोहन सिंह जी आपके साथ भी एक शानदार शब्द जुड़ता है। अद्भुत और पुनः नारी शक्ति से मेरा अभिप्राय एक अच्छी खासी संख्या पुलिस विभाग में नारियों की बढ़ी है। प्यारे बच्चों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा का भारत की बेटियां और भोजपुर की बेटियां, इस शुभकामना के साथ पीएम साहब की भावना के साथ कि भोजपुर की बेटी बड़ी होकर के जब भारत की बेटी बन जाती है और जब अपने तीखे तर्क सवालों के साथ अच्छे अच्छे मौकात मिलाए बिना किसी ब्रांड एम्बेसडर ने पत्रकार अगर माफ करेंगे, वो आपकी अंजना ओम कश्यप होती है, श्वेता सिंह होती है। तो बेटियों को इसी रूप में साधुवाद देते हुए वो भारत की बेटी भोजपुर की बेटी मीरा कुमार भी होती है। अद्भुत सार्जेंट मेजर शशिशेखर चौधरी जी को विशेष बधाई देते हुए कि प्रति वर्ष की बात इस बार भी आपने शीतलहर के बावजूद जो परेड की अच्छी तैयारी मुकम्मल तैयारी की, इसके लिए पूरी पुलिस टीम को और उसके कप्तान उसके
शीर्ष अधिकारी पुलिस अधीक्षक श्री प्रमोद कुमार जी को मैं बधाई देता हूं कि जिले की उस परंपरा को जिला पदाधिकारी श्री राजकुमार जी के सौजन्य से आपने और उत्कर्ष को बढ़ाया है। लोकतंत्र के हमारे चौथे प्रखर प्रहरी पत्रकार मित्रों को भी विशेष धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे जो राजनीतिक सभी ने विश्राम की अनुमति प्राप्त कर ली है उस परंपरा का अनुपालन करते हुए सशक्त समाज नारी को दो सम्मान तभी बनेगी नारी महान। महिला महत्व देना जो दिया जा रहा है इसके पीछे भावना ही है कि सामान्य जीवन राम कहा करते थे, संत रविदास कहा करते थे कि प्रभु जी शुभ चंदन हम पानी समता पुलिस समाज की स्थापना के लिए बाबू के जीवन राम को भी नमन करते हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान किया झांकी है कि पोतरा की बाल्टी ब्लू और ग्रीन कितना सुंदर टीवी पाया जाता है कि ग्रीन बाल्टी का कैसे प्रयोग करना है और ब्लू बाल्टी का कैसे किस में आपको गीला कचरा रखना है। नगर आयुक्त महोदय नगर आयुक्त महोदय भरत सर को मैं विशेष बधाई देता है विभागीय रोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का आपने यह स्वरूप किया है और ये कचरा प्रबंधन वाले लोग किस तरह से गली मोहल्ले में गाना बजाते हुए किस कचरा वाले नारी शक्ति जाते तीन रंग रक्षा जिसके प्रथम राष्ट्रीय तिरंगे का स्वरूप है इस संकल्प को मैं विशेष स्वरूप करता हूँ। स्वास्थ्य विभाग एस डी ओ साहब श्री ज्योतिलाल साहदेव साहब ने बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट है सिविल सर्जन सुरेश राउत बैठे हुए हैं। देखिए आपकी टीम ये तमाम एजेंट वाकई तो भारत की बेटी है जो स्वास्थ्य सेवा देने वाली अधिकारी नहीं हो बल्कि भारत और खून के बेटियों को धन्यवाद राष्ट्रीय तिरंगा लहराते हुए इस स्वरूप को भी विशेष धन्यवाद। ये शरण आया और आप देख रहे हैं कि मास्क को लेकर के क्या पता वैश्विक महामारी कोरोना की भी न आ जाए इस घर से अपने को सुरक्षित जो सुरक्षित बताते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट किए था कि वाकई आपके अगले कदम जो शिक्षा विभाग अधीक्षक महोदय हसन साहब गर्मन पर है साफ देखिए आप सहयोगी और शायद जब जीवन पर आपको स्वरूप दे रहे हैं तो चहक भी एक ललक पैदा करता है कि बुनियादी साक्षरता संचार ज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत तक पहले खाओ एक पति जब जानू से पीटा जाता है तो हमको लगता है कि उसका सारा संसार वही समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ता है ट्रैक्टर आइए अभी एक महान पति है इतना झाड़ू खाने के बाद भी संकल्प नहीं लेते हैं इस फिल्म का भी जिला प्रशासन खास करके जिला पदाधिकारी महोदय डीडीसी साहब एसडीओ साहब एडीएम साहब और पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग आपात स्थिति में एसपी साहब भगवान करे शुक्रगुजार हूँ हमें जिले का जो ऐसी घटना लेकिन नहीं घटी गई असल में डीएससी का धनपुरा जिला बंधा और परामर्श केंद्र तो देश कैसे एक केंद्र में जाते हैं हम जब गाड़ी चलाते हैं तो एसपी साहब चले गए संजय कुमार जी बोले कि आपकी गाड़ी के क्या कम लगा देंगे कि आपकी स्पीड 100 से आगे नहीं जाएंगे। संजय कुमार सिंह को भी मैं हृदय से गणतंत्र की बधाइयां देता हूं और पढ़ाई में आपका पैसा योजना का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान हम तो इसके प्रभारी ही है हमारे यहाँ हजारों लड़कियां आती हैं छात्राएं हमारे वाकई कन्या उत्थान के माध्यम से अगर हमारी छात्राओं को हमारे विद्यालय की छात्राओं को अगर यह राशि मिलती है तो बड़े अच्छा लगता है। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS तो मैं आंगनबाड़ी के रोक रोक करके नहीं
ये साहब एक सिंपल भाषण देते हैं, उनका लिखित भाषण से ही रह जाता है पोडियम पर, और आज ट्रैक्टर वो करके आंगनबाड़ी का मैसेज देना चाहते हैं, आंगनबाड़ी की सेविकाओं के लिए, जीविका की दीदियों की दीदियों के लिए सबको बधाइयां देते हुए आरा नगर निगम देखिए नगर आयुक्त महोदय नीरज भगत साहब कितना शानदार स्वच्छ रहिए कि समृद्ध बिहार, समृद्ध बिहार, शिक्षित बिहार और फल मिला करके गौरवशाली बिहार, और उसी गौरवशाली बिहार में जनजीवन हरियाली अभियान सात निश्चय से आगे बढ़ता है आपका ट्रैक्टर और बढ़ता बिहार, इसी बिहार के वर्तमान में और हम बनाने के लिए माना जाएगा मंत्री होता है धन होकर के बेटियां भारत की बेटी बनना चाहती है, सुंदा सुंदा ही तो हम हमारी नींद खोलती है, कहने का अभिप्राय गाय चाहे जिसके पास जितनी हो, हमारे प्रदेश के पूर्व विधायक अरुण जाधव जी गायों के शौकीन हैं, सुनते हैं कि 200 गाय उनके पास रखी है, लेकिन जब तक तो सुधा देने का दोष कम ही है, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेन्द्र जी को डॉक्टर साहब को पानी के इतने बर्बाद करी जतना के हमनी के काम में आ सके, पानी बात तभी जिंदगानी बात हमनी के आने के नाम अकेला है लेकिन चलते हैं समूह में, इनके अंदर एक सामाजिक चेतना है, सामूहिक टीम भावना है, सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत ये काम करते हैं, बड़े अच्छे सामाजिक कार्य करता है, मैं जुटा अकेला जी को बधाई देता हूँ, जिला पदाधिकारी महोदय उनको सम्मानित करें, साथ में सचिव प्रमोद कुमार जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करके जुटा अकेला का हम तो अकेले ही चले कर जाएंगे। तो भाई परेड हो चुका है खत्म, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।